गुजरात राज्य भर में रिपोर्टर, तहसील ब्यूरो, जिला ब्यूरो की तुरंत आवश्यकता है। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आज ही संपर्क करें। 9979523233। सीएन सीसीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, अब हमारे साथ जुड़ेंगे फाइनेंशियल प्लानर बीरजू आचार्य, जो आपको देंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की टिप्स, जिसके लिए देखते रहिए सीएन सीसीटीवी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरजू आचार्य, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, चार्टर मार्केट टेक्नीशियन एंड चार्टर वेल्थ मैनेजर। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। अक्सर हमने कई बार देखा है कि हमको एक या दो दिन के लिए भी ट्रैवल करना होता है तो हम उसका प्लानिंग है वो कई दिनों पहले करने लगते हैं, लेकिन जब हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हमारे पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। एलन लेकिन ने कहा है, फेलिंग टू प्लान इज प्लान टू फेल। फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम इजी प्रोसेस है। हमारे पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल हम अचीव कर सके। जैसे हमारे फाइनेंशियल गोल में होता है न्यू होल हाउस बाय करना है, चाइल्ड का एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर्पस बनाना है, चाइल्ड का मैरिज पर्पस बनाना है, हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का प्लानिंग करना है, इवन आपको वर्ल्ड टूर पे भी जाना है या न्यू प्रीमियम कार भी आपको बाय करना है, तो वो ऐसे गोल अचीव करने के लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। हमारी अनसर्टेनिटी को निभाने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि हम लोग कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन हमारा कोई क्लियर गोल ही नहीं होता है। फुटबॉल के मैदान में आपने देखा होगा कि गोल पोस्ट नहीं होगा तो हम लोग दौड़ते रहते किक लगाते रहते लेकिन अपना स्कोर नहीं होता। वैसे ही हमारा पैसा जो राइट जगह पे इन्वेस्ट नहीं होता तो हमारा फाइनेंशियल गोल भी नहीं होता है। तो आपने कभी अपने आप को क्वेश्चन किया है कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए, कब चाहिए और कितने चाहिए? इसके लिए आपके पास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। तो हमको एक प्रश्न होता है कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है क्या? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक ग्लोबली सर्टिफिकेशन है जो 26 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। ग्लोबली 1.70 लाख सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और इंडिया में 5700 सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। ये सर्टिफिकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया के द्वारा मान्य है। दोस्तों, मेरा 12 साल का फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस है। मैंने 2011 में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा मान्य है वो सर्टिफिकेशन किया था। 2017 में मैंने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो अपनी भारत सरकार की रेगुलेटरी PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मान्य है वो किया था। 2018 में मैंने चार्टर वेल्थ मैनेजर जो अमेरिकन एकेडमी फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा मान्य है वो सर्टिफिकेशन मैंने किया हुआ था। मेरे साथ 4000 क्लाइंट का मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मेरा एक ही विजन है, क्लाइंट का वेल्थ क्रिएशन एंड अचीव फाइनेंशियल गोल। दोस्तों, आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.birjuacharyacfp.com के ऊपर जाके आप जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक में पेज है बिरजू आचार्य CFP। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग की जानकारी के लिए बहुत सारे वीडियो लेके हम आ रहे हैं, हमसे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी फाइनेंशियल प्लानिंग।